कौन पूछ रहा है सवाल? सूरज कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में भी बोल रहे, सिर्फ सब हिंदी में मत बोल। मिली जुली प्रतिज्ञा, वाह। रोटरी वर्ल्ड फेस्ट, ये बहुत, ये पहली बार हो रहा है और ये बहुत बहुत ही अच्छा इवेंट है क्योंकि इट्स नॉट ओनली जस्ट म्यूजिकल, इट हैज़ अ लॉट ऑफ अदर आर्ट फॉर्म्स है जो ये इसका मेन रीज़न है। इट्स बेसिकली अ चैरिटी कॉन्सर्ट्स। इसके जो प्रोसीड्स है वो बच्चों की पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट्स के लिए जा रही है, जैसे कि बच्चों की हार्ट सर्जरीज के लिए, बच्चों की कैंसर सर्जरीज के लिए, थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट्स के लिए, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए, ई लर्निंग जो पालघर में एक स्कूल है उसके लिए, बर्न सेंटर के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कॉजेज है जिसके लिए इसके जो प्रोसीड्स है वो जाने वाले हैं और हमें, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट में हम शामिल हैं और हम एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। रोटरी बहुत नामचीन क्लब है, बहुत बड़ा क्लब है जो हमेशा से चैरिटेबल कॉजेज के लिए हमेशा आगे है और आज ये लोग कुछ और अमेजिंग चीज़ कर रहे हैं जो है वर्ल्ड फेस्ट। ना केवल म्यूज़िक आर्ट्स बट देर इज़ फूड, देर इज़ फुल, देर इज़ एंटरटेनमेंट और ये इस महालक्ष्मी रेस कोर्स से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है बिकॉज अ लॉट ऑफ देयर चैरिटी मनी इज़ कमिंग फ्रॉम द रेसेज इट्सेल्फ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस कॉज से छोटा हिस्सा है हम इस कॉज का और लोगों को आज शाम हम एंटरटेन करेंगे और लोगों का दिल बहलाएंगे। किस तरह की परफॉर्मेंस होगी आपकी? कौन सा गाना? हमारे पहले लुई बैंक सर और जॉर्ज ब्रुक सर परफॉर्म करेंगे। इनका एक बहुत ही कमाल का जैज़ ऑनसम्बल है जो वो लोग विद जीनो बैंक्स शेल्डन और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक होगा। उसके बाद हम आएंगे और हमारे साथ राजस्थानी फोक म्यूजिशंस भी हैं जो मांगणिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा जोनीता गांधी है, राज पंडित है, विपुल मेहता जो इंडियन आइडल है। तो हमारे कुछ गाने बजाएंगे जो फिल्म के गाने हैं, उसके अलावा कुछ फोक सॉन्ग्स बजाएंगे, उसके अलावा कुछ सूफी डिवोशनल सॉन्ग्स बजाएंगे और हम बस यही चाहेंगे कि आप सभी लोग इन्जॉय करें और इस अमेजिंग मोमेंट का, फेस्टिवल का मज़ा लें। देखिए चैरिटी ऐसे होता है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस के अंदर रोज़ एक इवेंट करेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, मगर एक नोबल कॉज है और एक ऐसा कॉज है जहाँ पर आपको रोटरी जो एक इंस्टीट्यूशन है, इट्स नॉट जस्ट अ क्लब, इट्स एन इंस्टीट्यूशन और जिस हिसाब से वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उस लेवल का अगर ऑर्गेनाइजेशन हो तो क्रेडिबिलिटी भी होती है और लोग आके सपोर्ट भी करते हैं। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट समथिंग लाइक दिस गोइंग। ऐसे लगता है कि यार 2000 चेयर लगा दी और सब लोग आ गए, तो ऐसे नहीं होता है ना, टाइम लगता है उसको ऑर्गेनाइज करने को। एंड देव डन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल जॉब, देव जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से इन्होंने सेटअप किया है इसे, आई थिंक अगर ऐसे और लोग इस लेवल पे अगर करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अ सक्सेस। अगर हम थोड़ा इंग्लिश में पूछ ले प्लीज, ताकि जॉर्ज साहब और लुई साहब भी शामिल हो जाए सवालों में। मैं पूछूं? हाँ, सो सवाल मैं करूँगा उनके लिए। इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू जॉर्ज, हाउ, what is your feeling towards doing a charitable concert? How do you feel being part of this incredible World Fest? Well, I've been very impressed since arriving this morning. I mean, I came here early for sound check because it's a full day of events, and already things were in place and looking beautiful. So the quality of the organization speaks to what I imagine will be the quality of the work that's done with the funds that are raised, and that makes me feel very good about giving my time, giving my energies to a project like this. I imagine that the fantasies you have of
dialysis, pediatric care, that these fantasies will be fulfilled and that this will be an opportunity to grow as well from this point moving forward. Thank you. Luisa, you had an amazing tour with Zakir Bhai very recently. I think you did like 17 concerts in 18, or whatever, 15 concerts in 18 days or something like that. Let's talk about that for a second. You want to talk about that? Yeah, let's talk about this. First of all, I'm very happy that and honored that Rotary people, especially Sandeep Saab, came to the house and all that and spoke to me about the project and the festival. And I was very happy to be asked to perform for this event. And that's why we are here. And we're going to present some original music. And this time we've created a special kind of a set for this particular occasion where we've interlinked Kathak dance with fusion jazz. Oh, wow. So it's going to be very interesting because music, of course, is there to enlighten and inspire people all over the world. Yeah. And so we're very happy to be here and be a part of the Rotary Club. And are we going to listen to any Cross Currents today? Like any part today of that? Will be George Brooks and Louis Banks. Okay, cool. How's that? That's nice. My brother from across the ocean. Yeah. Okay, so there is some Cross Currents happening. Absolutely. Very much. And it's so interesting that you're going to do some, you're going to collaborate with the Kathak dancers, and that's going to be something amazing. So that's, it's a great thing that, there's two different genres of music, and it's going to be very versatile. Bahut alag type ka ye sham hone wali hai. It's not just, commercial music and Bollywood music, and there's going to be a lot of artistic elements as well. I think this says हमारे that music में भी हम राजस्थानी folk artists को involve कर रहे हैं और कुछ ऐसी tunes बजा रहे हैं जो शायद ही आप कभी सुने होंगे कुछ राजस्थान के folk songs के सरिया बालम बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक अलग अंदाज में पेश करने वाले हैं and it's I think it's something where we are asking people to connect with our own roots. But presenting it in a more contemporary way. So that's something very special. Yeah. I think it's a very wholesome event because if you look at it, we have the maestros of jazz and classics. So they'll be doing a little bit of the jazz and a fusion. And we'll be doing a lot of the classic stuff and a lot of Bollywood. Or we'll take people down memory lane, thoda sa. We'll do a little bit of retro music in our own style. We'll do a little bit of dance music for so that everybody can enjoy. Because celebration bhi to hai at the end of the day when you see such good turnouts, especially in Bombay city. Itni busy city hai, wo sab time nikal ke agar yahan par aa rahe hain, toh we will make sure that they are entertained and enjoy and go back with a wholesome experience. Aapka pet nahi bhara. I'd just like to offer what an honor it is to be performing with my elder brother, Louis Banks. I think both of us, although we come from very different situations, we both have a strong love for jazz, a strong love and affinity for Indian classical music, and we've found ourselves kind of coming to the same juncture from two very different beginnings. And it's always an honor, always a pleasure to work with. It's also an honor for us. It's also an honor for us to be, to be part of an event where you amazing musicians and composers are part of, because I've always looked up to you guys and always really, really respected you and your music. Since a very, very young age, I've been following you. And, I'm really, really happy that I'm part of an event which is, going to be graced by your presence and your music. So thank you. It's an honor to be here. It's a huge thing for us. And I'm so glad that I could, say it in front of everyone. That it's really part of, we followed you from a very young age, and we'll always be following you. Haji. मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। I don't know. I've been so busy doing music. हम लोग बॉम्बे में है ही नहीं, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा? What is Padmavati?
रानी पद्मावती की बात कर रहा हूं उन्होंने संजय लीला बंसल नहीं सर दीपिका पादुकोण का नाक काट देंगे कभी से ना ने कहा है शायद आपने सुना होगा नहीं मैंने नहीं सुना है तरफ महिला वायलेंस की अगर बात करें देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं सर यहां तक प्रेस में देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं ये सवाल है संजय लीला बंसाली जी के लिए ये सवाल है दीपिका पादुकोण जी के लिए और ये सवाल है फिल्म के जो निर्देशक है निर्माता है और जो इसके अभिनेता है उनके लिए आज एक बहुत ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं लेकिन हम लोग को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है ये तो चलते ही आ रहा है हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले हमारी भारत सरकार इतनी कमाल की सरकार है कि हम सबके लिए एक आवाज वो कोई भी कुछ भी कह सकता है सबको एक आवाज देने आवाज करने का हक है तो मैं तो कहता हूँ कि हम बहुत खुशनसीब है कि 130 करोड़ की आबादी में जहाँ जब एक मुस्लिम आदमी एक हिंदू आदमी के घर पर जाके पूजा का लड्डू खाता है और एक हिंदू एक मुस्लिम के घर आकर ईद की सिवैया खाता है तो ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे 130 करोड़ लोग इतनी शांति से और इतनी अमन से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं तो आप लोग पद्मावती के बारे में सवाल ना करके ये चीज़ देखिए कि हम आज क्या कर रहे हैं कि हम इतनी ऐसे देश में जहाँ पे बहुत ही कम आमदनी के लोग हैं और बहुत ही अच्छे कमाने वाले लोग हैं दोनों एक दूसरे का एक दूसरे के साथ मिलकर कितने अमन से और कितने प्यार से ज़िंदगी बिता रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है लेट्स टॉक अबाउट दैट ये अमन की आवाज है रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वर्ली द्वारा आयोजित है मुख्य रूप से कई रोटरी के क्लब्स इसमें सम्मिलित हुए हैं रोटरी दुनिया की पहली सेवाभावी संस्था है जो कि 1905 से लगातार समाज की सेवा कर रही है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 314 डिस्ट्रिक्ट में मुंबई में 90 से ज़्यादा क्लब हैं उसमें से एक क्लब है रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली हम सब ने मिलकर ये प्रयास किया है कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा वर्ल्ड फेस्ट के द्वारा लोगों में कुछ जागरूकता लाएं रोटरी के बारे में और हम ये भी बताएं कि रोटरी क्या क्या काम करती है और इसके अलावा आज जो संगीत का कार्यक्रम होगा शाम को उससे हम कुछ धन इकट्ठा कर पाएं लोगों की सेवा कर पाएं उसमें बच्चों के लिए पीडियाट्रिक सर्जरी है वीमन एम्पावरमेंट है हमारा काम है कैंसर से लड़ने का है और बोन मेरो के लिए हम लोग काम करने की चेष्टा करेंगे हम चाहते थे कि लोग यहाँ इकट्ठा हों और सब जमा हों और हम कोशिश कर हमारी कोशिश रहेगी कि साल दर साल इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें ताकि लोगों में रोटरी के प्रति जागरूकता हो और समाज की सेवा करने के लिए लोग रोटरी से जुड़े कॉन्सेप्ट माइंड में किसके आया कैसे आया लगभग 3 साल पहले हमारे सब रोटरी के विभिन्न जो वरिष्ठ सदस्य थे उन्होंने सोचा कि इस जगह पर यहाँ पे हमारे एक वरिष्ठ सदस्य हैं हमारे रोटरी के जो कि पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं गुलाम बहानवती उन्होंने सोचा कि लोग रेसकोर्स में आते हैं तो क्यों ना रेसकोर्स में लोगों को इकट्ठा किया जाए पहले 2 वर्ष हमने कार्यक्रम किया वो एक छोटे स्तर पर था इस साल का कार्यक्रम बहुत बृहद स्तर पर हुआ है और कोशिश रही है कि हम कुछ नया दे पाएँ लोगों को रोटरीज को दिन में रेसेस हुई हैं और शाम को मनोरंजन का कार्यक्रम है और विभिन्न प्रकार के विभिन्न देशों से विभिन्न क्षेत्रों से व्यंजन खाने पीने की व्यवस्था की गई ताकि लोग आएँ दिन भर परिवार के साथ परिवार का लुत्फ उठाएं साथ फेलोशिप का और शाम को संगीत का आनंद उठाएं और शाम को रविवार की शाम परिवार के साथ खा पी कर एंजॉय करें पूरा वीकेंड पूरा लुत्फ उठाएं उसका और उसके साथ ही समाज की सेवा की कुछ मानसिकता के साथ यहाँ जुड़ें सलीम सुलेमान जो कैसे कन्विंस की कैसे हुआ है ये सलीम सुलेमान मेरे ख्याल से मेरे साथी बता पाएंगे ये लोग बता पाएंगे सलीम सुलेमान हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव विद अस दे हैव सपोर्टेड अस कंप्लीटली ऑन दिस वर्ल्ड फेस्ट एंड दे सपोर्ट ऑल आवर वेरियस कॉजेस व्हिच इज फॉर द चिल्ड्रन एज मेंशन एंड दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल इन इवन ब्रिंगिंग द राजस्थानी फोक सिंगर्स टू गिव the entire crowd a combination of different types of music to isme traditionally
बहस करके सारे ओरिजिनल प्रोग्राम्स हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। रोटरी एक एकदम शुद्ध इंस्टीट्यूशन है, तो हमारी सोच और हमारे काम और हमारे डोनर्स है यहाँ पे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। फीस रखी है, मूल जो आने का चार्ज होता है, शुल्क होता है, जो कि रॉयल वेस्टर्न इंडियन टर्फ क्लब का है, उसको मिलाकर GST मिला के एक थोड़ा सा अतिरिक्त शुल्क लिया है हमने, क्योंकि हमें कुछ अतिरिक्त राशि हमें खर्च करनी पड़ेगी इसके लिए लिया है। कुल मिला के जो लिया है हम लोगों ने, उससे ज़्यादा हम लोगों को उसका लुत्फ उठाने का मजा दे पा रहे हैं। इसमें एक चीज़ रखी गई है कि जो पैसा चैरिटी के लिए इकट्ठा होगा वो चीज़ पे हम लोग मनोरंजन नहीं करेंगे। मनोरंजन का पैसा अलग से होगा और चैरिटी का पैसा अलग होगा। चैरिटी का 100 रुपया चैरिटी के लिए जाएगा, उसमें से 1 रुपया न मनोरंजन के लिए जाएगा न किसी के खाने पीने के लिए जाएगा। सर इसके फ्यूचर में प्लान ये हम लोगों की चेष्टा है कि हमने जो पहले किया है बृहद रूप से किया है, कोशिश रहेगी कि अगले लगातार कुछ वर्षों तक लगभग दिसंबर या जनवरी में, नवंबर से जनवरी के बीच में हर वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें और लोगों में जागरूकता बढ़ाते रहें। ये पहला, बड़े तौर पे पहला प्रयास है और हमेशा पहला प्रयास प्रयोग के तौर पर होता है। ये प्रयोग कई मायनों में सफल रहा है, हमने देखा है। आप लोग नीचे जाके देखें कि जो इंतज़ाम किए गए हैं बहुत अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के इंतज़ाम किए गए हैं और मुंबई के हिसाब से बिल्कुल उच्च दर्जे के इंतज़ाम हमने किए हैं और उम्मीद है कि अगले साल हम जो त्रुटियां रह गई होंगी उनको सुधारने की कोशिश करेंगे और कोशिश रहेगी कि उनको सुधार कर और से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ इकट्ठा करें। ग्लोबल तो ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के साथ में हमारी जब मुलाकात हुई कि एक आउटडोर होर्डिंग्स हमें चाहिए और आउटडोर होर्डिंग्स के अंदर में हमें साल भर हमें ये चाहिए कि हमारे 80 क्लब है जो अलग अलग लोकेशन के अंदर में काम हो रहा है, एजुकेशन हो रहा है, मेडिकल हो रहा है, तो वो लोकेलिटी के अंदर में अगर उन्हें बताना है कि भाई ये हफ्ते के अंदर में या ये महीने में ये प्रोग्राम होगा, तो संजीव गुप्ता जी ने ये कमिट किया हुआ है कि मिनिमम 100 डेज की साइट दी जाएगी और उस बिजनेस के रोटरी के एसोसिएशन के उनको जो भी अगर और कोई बिजनेस मिलेगा तो उसका पूरा दोबारा पैसा वो रोटरी को वापस देंगे। It was like this, when संदीप जी मेरे पास आए रोटरी क्लब का जो पूरा मैनोफेस्ट लेके कि इतना चैरिटी वर्क हो रहा है, सो आई टॉट, मतलब मैं हमेशा सोचता था कि भाई कैसे रोटरी के साथ जोड़ा जाए इनके सोशल कॉज के साथ, एंड दिस वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिसमें हमने हमारे होर्डिंग जो 20 साल में लगे हैं लगभग 100 डेज डिस्प्ले फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब हार्डली 100 रुपीज़ पर डे का कॉस्ट लेके जो पीनट्स है वो हिसाब से दिया है और वो भी उनको रिटर्न करने की बात की है कि भाई एक छोटे से स्टेप आगे बढ़े हैं इतने बड़े कार्य पर। ये सहयोग आपका हमेशा रहेगा? हमेशा रहेगा, जब तक चैरिटी वर्क चलेगी ग्लोबल का सहयोग रोटरी को हमेशा मिलता रहेगा। हमारे डोनर साहब हैं जी, सर क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे सर? देखिए डोनरों को तो ज़बरदस्ती ही आगे किया जा रहा है, डोनर बड़े नहीं होते, जो इसकी कल्पना करते हैं और मेहनत करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो बड़े होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि रियल मेहनत संदीप भाई और अपने मित्रों ने की है, हम लोग तो बस पीछे पीछे खड़े हैं, जो हमसे कर सके हम किया। तो उनके यहाँ पे हमारे कैंसर के अंदर में रोटरी की वेबसाइट्स हैं, तो उनको जो टाइप की मदद चाहिए वो वेबसाइट पे जा करके, अगर वाडिया हॉस्पिटल में हो रहा है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हर 15 दिन के अंदर में फॉर दी रेडिएशन थेरेपी के लिए 5,000 रुपये दिया जाता है, तो रोटरी की कोई भी क्लब से अगर आप जुड़े तो आपको आपका मेंबर हो या ना आंसर मिलेगा, मेंबर हो या ना मेंबर हो या ना हो।